स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम रियल एंड फंक्शन के बारे में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक, तो उसमें पीरियाडिक फंक्शन के बारे में हमने बता रहे थे। पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है? जैसे पीरियाडिक फंक्शन जैसे साइन एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेकर प्लस वन तक वैरी करती है, और एक निश्चित समय के बाद क्या होता है तो उसकी वैल्यू माइनस वन प्लस वन इस तरह से होती रहती है, ठीक। तो और कॉस एक्स की वैल्यू इसी तरह से, कॉस एक्स की वैल्यू भी माइनस वन और प्लस वन, जैसे कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो वैल्यू क्या होती है वन, कॉस जीरो वैल्यू वन, और पुनः कॉस पाई डिग्री यानी कॉस 180 डिग्री वैल्यू क्या होती है माइनस वन। तो इस तरह भी वैरीज करती रहती है वन और माइनस वन के बीच में। तो एक निश्चित समय के बाद पूरा मतलब कि पैटर्न जो है चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसको इस तरह फंक्शन क्या कहते हैं, पीरियाडिक फंक्शन। इस तरह फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियाडिक फंक्शन। और पुनः जैसे एक होता है इक्वल फंक्शन यानी कि दो फंक्शन जब इक्वल होते हैं दे आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन, ठीक। और कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे इस तरह से अगर मान लीजिए कि एफ सच दैट ए टेंड टू बी, एफ सच दैट ए टेंड टू बी एंड एफ सच दैट बी टेंड टू सी, तो एफ सच दैट ए टेंड टू क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह का फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन। क्या कहेंगे इस तरह के फंक्शन को, कंपोजिट फंक्शन। तो इसके आधार पर एक्सरसाइज 1.1 हम करते हैं, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक। तो फर्स्ट में क्या है, रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, रिलेशन आर ऑन द सेट 1, 2, 3, 13, 14 डिफाइंड एज द आर इक्वल टू एक्स वाई सेट डेट 3x - y = 0, ठीक। यहाँ देखते हैं आंसर, तो वन में क्या है, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 13, 14, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 14, 12, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1, 1, 2, 2, यानी 1, 1, 2, 2, 14, 14 बिलोंग आर इस तरह से होता है तब क्या होता है, तब रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। और क्या है, आल्सो आर इज नॉट सिमेट्रिक वाई 1, 3, 1, 3 बिलोंग, जैसे क्या है 1, 3 बिलोंग आर बट 3, 1 नॉट बिलोंग आर, बट 3, 1 क्या है नॉट बिलोंग आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। वेदर आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए सेकंड वाले में क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं, पहले का सेकंड। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4, यानी एक्स की वैल्यू किससे कम हो, 4 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या, आर इक्वल टू यहाँ पे आर इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, 6, 2, 7, 3, 8, ठीक है। इट इज सीन दैट 1, 1 बिलोंग डज नॉट बिलोंग आर, यानी 1, 1 डज नॉट बिलोंग आर रिलेशन में, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये केस होगा तो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। 1, 6 बिलोंग आर बट 1, 6 डज नॉट बिलोंग आर, बट 1, 6 डज नॉट बिलोंग, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। Now since there is no pair in R such that x, y and y, z belong R, so we need not look for the other pair x, z in R. R is क्या है, transitive. R is transitive. Hence R is neither reflexive nor symmetric, but it is transitive. क्या है, transitive. अब इसमें हम first का third part देखते हैं। R इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वी नो दैट द नंबर एक्स इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, एक्स एक्स बिलोंग आर, जैसे कोई भी नंबर अपने क्या होता है, डिविजिबल होता है। नाउ 2, 4 बिलोंग आर एज 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 इज क्या है डिविजिबल बाई 2, यानी 4 का एक रिलेशन है किसके सापेक्ष, यानी कि 2 के सापेक्ष।
फोर इज डिविजुअल बाय टू, बट टू टू इज नॉट डिविजुअल बाय फोर, तो इसलिए क्या है, ए नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग आर, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग आर, एंड लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग आर, सो जेड इज डिविजुअल बाई एक्स, तो एक्स जेड बिलोंग आर, एक्स जेड बिलोंग आर, तो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज क्या है ट्रांजिटिव, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो आर क्या है रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम फर्स्ट का आर इक्वल टू एक्स वाई, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, नाउ फॉर एवरी एक्स बिलोंग जेड, एक्स एक्स बिलोंग आर एज एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो इज एन इंटीजर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग जेड, इफ एक्स वाई बिलोंग आर देन एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो एन इंटीजर, ऑल्सो एन इंटीजर, तो वाई माइनस एक्स इज क्या हो जाएगा एन इंटीजर, तो वाई एक्स बिलोंग आर, सो वाई आर इज सिमेट्रिक। नाउ लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग आर, नाउ लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग आर, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग जेड इम्प्लायमेंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड आर इंटीजर्स, सब क्या हैं इंटीजर्स हैं, एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड, सो एक्स माइनस जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज ए इंटीजर, तो एक्स जेड बिलोंग आर, तो आर क्या हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक। अब जो है हम इस तरह से और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट, सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट आर रिलेशन डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तो आंसर क्या हो जाए आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर एंड ऑब्जर्व दैट वन बाई टू डज नॉट बिलोंग आर, तो वन बाई टू ग्रेटर देन क्या है वन बाई टू स्क्वायर, ठीक है वन बाई टू ग्रेटर देन वन बाई टू स्क्वायर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बट फोर वन डज नॉट बिलोंग आर, फोर वन डज नॉट बिलोंग, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ थ्री टू टू वन पॉइंट फाइव बिलोंग आर, थ्री लेस देन क्या है टू स्क्वायर, थ्री लेस देन यानी टू स्क्वायर है एंड टू लेस देन वन पॉइंट फाइव स्क्वायर, वन पॉइंट फाइव स्क्वायर क्या है टू पॉइंट टू फाइव, बट थ्री ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव स्क्वायर, बट थ्री ग्रेटर देन वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर, थ्री वन पॉइंट फाइव डज नॉट बिलोंग आर, थ्री वन पॉइंट फाइव डज नॉट बिलोंग, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे ये सबसेट है किसका ए का, जैसे ए सबसेट है ए का, तो क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ए क्या कहेंगे इसको रिफ्लेक्सिव, यानी कि ए पी ए होल्ड्स, और ए कब होगा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक कब होगा ए सबसेट बी, व्हेन ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तब हम क्या कहेंगे, तो ए क्या है सेट क्या है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, तो सेट क्या है सिमेट्रिक, और अगर ए हो जाता है मान लीजिए क्या होता है, जैसे ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, ए सबसेट बी हो और बी सबसेट सी हो, तो ए सबसेट क्या हो जाएगा सी, ए सबसेट सी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, क्या कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ वी सी दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आंसर लेट ए इक्वल टू क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेट ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन दिस सेट ए, आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू क्या है ए प्लस वन, ए रिलेशन में क्या होगा आर इक्वल टू वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स, ठीक है इस तरह से होगा, तो बी कैन फाइंड दैट ए ए डज नॉट बिलोंग आर, वेयर ए बिलोंग ए फॉर इंस्टेंट
आर इंस्टेंट 1122334455666 डज नॉट बिलोंग आर, ए डज नॉट बिलोंग आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 1 2 बिलोंग आर, 1 2 बिलोंग आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग आर, यानी कि 1 2 बिलोंग आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए आर को हम क्या कहेंगे, नॉट सिमेट्रिक। नाउ 1 2 2 3 बिलोंग आर बट, नाउ 1 3 एंड 2 3 बट 1 3 डज नॉट बिलोंग आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से इसी बेस पे है सब क्वेश्चन, बीच बीच में हम करते जा रहे हैं जो है, जो अलग अलग टाइप का है क्वेश्चन, इसको जो है हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट, सो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए लेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, ओके, क्या है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 ए रिलेशन और ऑन ए सेट ए इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू 1 2 2 1, यानी जो हमारे पास दिया गया है रिलेशन उसके सापेक्ष हम करेंगे। इट इज सीन दैट 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग आर, सो आर इज नॉट फ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट फ्लेक्सिव। नाउ एज 1 2 बिलोंग आर एंड 2 1 बिलोंग आर, देन आर इज सिमेट्रिक, इसलिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब में 1 2 2 1 इस तरह प्रॉपर्टी है। नाउ 1 2 एंड 2 1 बिलोंग आर, हाउ यर आर इज रिफ्लेक्सिव, 1 1 डज नॉट बिलोंग आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन आर जो है ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, सो दैट द रिलेशन, सो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन इक्वलेंस कब होता है, तो इक्वलेंस रिलेशन तभी होगा जबकि रिफ्लेक्सिव हो और क्या हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेगा तो उसको हम इक्वलेंस रिलेशन कहेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वलेंस रिलेशन। आंसर में देखिए सेट ए इज, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, यानी दो किताबें हैं उसमें सेम नंबर ऑफ पेज हैं। नाउ आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स एक्स बिलोंग आर एज एक्स एंड एक्स हैज द सेम नंबर ऑफ पेज, यानी दोनों बुक में क्या है, यानी समान पेज हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेट एक्स वाई बिलोंग आर एम्प्लॉयमेंट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, एम्प्लॉयमेंट वाई एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, तो वाई एक्स बिलोंग आर, यानी कि एक्स वाई बिलोंग आर क्या है, एक्स वाई बिलोंग आर एंड वाई एक्स भी बिलोंग आर, सो आर इज क्या हो जाएगा, सो आर इज सिमेट्रिक, सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक। एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, एक्स जेड बिलोंग आर, तो एक्स जेड बिलोंग आर यानी तीन किताबें हैं हमारे पास, जैसे इफ भी है थ्री बुक्स एक्स वाई एंड जेड, तीनों में नंबर ऑफ पेज क्या हो, इक्वल हो, जैसे एक्स में 100 पेज, वाई में 100 पेज एंड जेड में 100 पेज, क्या होगा, यानी पेज सब में सेम है। एक्स बिलोंग आर जैसे एक रिलेशन प्रदर्शित कर रहा है, एक्स बिलोंग आर वाई बिलोंग आ रहा है जेड बिलोंग आर, ठीक है, या एक्स बिलोंग वाई, ठीक है, एक्स बिलोंग वाई एंड वाई बिलोंग जेड, वाई बिलोंग जेड, तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग जेड, एक्स बिलोंग जेड, इसलिए क्या होगा, ये प्रॉपर्टी हैं आर इज एन रिलेशन, क्या होगा, आर इज एन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आर क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द रिलेशन, सो दैट द रिलेशन ऑन द आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट मार्ट ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्वलेंस रिलेशन सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अब इसका आंसर देख लीजिए,
ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 आर इक्वल टू मॉड ए बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी इज इवन। इट इज क्लियर दैट आर एनी एलिमेंट ए बिलोंग ए बी है मॉड ए माइनस ए इक्वल टू जीरो ऐसे मॉड ए माइनस इक्वल टू जीरो विच इज इवन। ठीक है आर इज रिफ्लेक्सिव लेट ए बी बिलोंग आर मान लीजिए कि लेट ए बी बिलोंग आर हम करते हैं क्या हो जाएगा मॉड ए माइनस बी इज इवन तो माइनस मॉड ए माइनस बी इक्वल टू मॉड बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन तो बी ए बिलोंग आर आर इज क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। नाउ लेट ए बी बिलोंग आर नाउ लेट ए बी बिलोंग आर एंड बी सी बिलोंग आर मॉड ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड बी माइनस सी इज इवन इम्प्लाइमेंट क्या हो जाएगा ए माइनस बी बिटवीन एंड बी माइनस सी इज इवन दोनों जैसे ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों क्या होंगे इवन होंगे। इम्प्लाइमेंट ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन ए भी इवन होगा ठीक तो मॉड ए माइनस सी इज इवन ए सी बिलोंग आर सो आर इज ट्रांजिटिव आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन क्योंकि रिफ्लेक्सिव है और क्या है सिमेट्रिक है और क्या है ट्रांजिटिव। ठीक इस तरह से सब और क्वेश्चन जो है आप हल करेंगे बीच बीच में हम बताते जा रहे हैं जो अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है यानी कि सारे क्वेश्चन को यानी कि सबका पैटर्न वही है करीब करीब समझ लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ठीक है इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्वलेंस रिलेशन फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू जीरो इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एट सेंटर आंसर कैसे करेंगे इसका तो आर इक्वल टू क्या है आर इक्वल टू पी क्यू आर इक्वल टू क्या है पी क्यू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि ओरिजिन से जो पॉइंट पी की दूरी है वही पॉइंट क्यू की भी दूरी है क्लियरली पी पी बिलोंग आर क्लियरली क्या है पी पी बिलोंग आर सी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन तो आर इज रिफ्लेक्सिव आर इज क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव नाउ लेट पी क्यू बिलोंग आर नाउ लेट पी क्यू बिलोंग आर नाउ लेट पी क्यू बिलोंग आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इम्प्लाइमेंट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इम्प्लाइमेंट क्यू पी बिलोंग आर ठीक है क्यू पी बिलोंग आर आर इज सिमेट्रिक सो आर इज सिमेट्रिक यानी कहने का मतलब यह है कि ए ओरिजिन से पॉइंट पी और क्यू की यानी डिस्टेंस क्या है समान है तो उनमें एक रिलेशन है यानी क्या रिलेशन है उनकी डिस्टेंस समान है कहाँ से ओरिजिन से क्यू क्यू बिलोंग आर आर जो है रिलेशन है कहाँ से एन पी बिलोंग आर ठीक है तो क्यू पी बिलोंग आर इसलिए क्या हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक आर इज क्या है सिमेट्रिक लेट पी क्यू क्यू यस बिलोंग आर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू एंड यस फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम इम्प्लाइमेंट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P and S from the origin is the same. Implement P S belong R. R is transitive. Therefore, origin equivalence relation. Equivalence क्यों है क्योंकि जब reflexive है transitive है और symmetric है तीनों relation hold करता है तो कोई क्या है वो इसका मतलब कि वो जो है equivalence relation है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए So that the relation R defined in the set ए आप आल चेंजेस एज आर इक्वल टू टी वन टी टू टी वन इज सिमिलर टू टी टू कंसीडर थ्री राइट एंगल्स ट्रायंगल्स टी वन विथ साइड 3 4 5 टी टू विथ साइड 5 12 13 एंड टी थ्री विथ साइड 6 8 10 तो इसमें क्या है एक रिलेशन देखिए हो रहा है थ्री जैसे 3 4 5 वाला है 3 4 5 तो क्या होता है 5 square इक्वल टू 3 square plus 4 square ठीक इसका मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर
इसका मतलब राइट एंगल है, ठीक है। अब दूसरा वाला हम लेते हैं, 13 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये भी क्या है, क्या फोल्ड करता है, यानी कि राइट एंगल, राइट ट्रायंगल है, इसलिए यानी कि इसमें राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, ये भी यानी कि सेम प्रॉपर्टी कर रहा। एंड 6 8 8 6 8 10, जैसे 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक। तो दोनों सेम है, ये भी राइट एंगल से, तीनों में एक रिलेशन है, ठीक है, तीनों में एक क्या है, रिलेशन है। तो T1 T2 बिलोंग आर, यानी कि T1 बिलोंग आर, पहले क्या है, T1 बिलोंग आर मतलब क्या है, एक राइट एंगल है, एंड T1 T2 बिलोंग आर है, और क्या है, T1 T2 बिलोंग एंड T3 बिलोंग क्या है, T3 बिलोंग आर। इसका मतलब क्या हो गया कि T1 बिलोंग T2 एंड T2 बिलोंग T3, मतलब एक रिलेशन है, क्या हो जाएगा, T1 बिलोंग भाई T3 करेगा, इसलिए प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी कि T1 T2 T3 ये जो सेट है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव। T1 T2 T3 जो है क्या है, तो आर इज सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और क्या है, तो देयर इज आर इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज दिस सेट ऑफ आर डायमेंशन इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विच साइड 3 4 एंड 5। आंसर क्या है, आर इक्वल टू, यहाँ पे आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम द नंबर ऑफ साइड्स, आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस P1 P2 बिलोंग आर एज द सेम पॉलीगन हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स विथ इट्सेल्फ। लेट P1 P2 बिलोंग आर एम्प्लॉयमेंट P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी P1 P2 के पास जैसे पेंटागन है, मान लीजिए कि P1 P2 क्या है, पेंटागन, तो सब में क्या होगी, P1 और P2 को अलग अलग यानी लेंथ भले हो लेकिन क्या है, 5 साइड्स हैं, ठीक, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम पेंटागन कहते हैं। P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 P1 बिलोंग आर, यानी कि दोनों में एक रिलेशन है, P2 बिलोंग आर हो जाएगा एंड P1 बिलोंग आर, ठीक है, P1 बिलोंग आर एंड P2 बिलोंग आर, ठीक। तो इसके बाद P3 बिलोंग आर, यानी कि 3 पॉलीगन हमारे पास दिए गए हैं एंड 3 पॉलीगन दिए गए हैं, P3 बिलोंग क्या है, आर, P3 बिलोंग आर। तो P1 बिलोंग P2 इसको क्या लिख सकते हैं, P1 बिलोंग P2 एंड P2 बिलोंग P3, इसलिए क्या हो जाएगा, P1 बिलोंग P3, P1 बिलोंग क्या होगा, P3, इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 P2 बिलोंग आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, द एलिमेंट इन ए रिलेशन रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल टी विद द साइड 3 4 5 आर दोज पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स, सिंस टी इज ए पॉलीगन विद 3 साइड्स, ठीक। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 15। तो सारे एक ही सेम के जो हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, इसमें दिया गया है, तो इसमें केवल समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेट आर विद रिलेशन इन दिस सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, चूज द करेक्टर सर। तो ए क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आंसर क्या है, आर इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए आर इक्वल टू 1 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2।
इट इज सीन दैट ए बिलोंग आर बट आर एवरी ए बिलोंग 1, 2, 3, 4 आर इज क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव. इट इज सीन दैट 1, 2 बिलोंग आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग आर. तो यानी कि 1, 2 बिलोंग आर बट 2, 1 डज नॉट, 2, 1 इसमें नहीं है रिलेशन. तो सो आर इज नॉट सिमेट्रिक क्या होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक. ऑल्सो इट इज ऑब्जर्व दैट ए बी बी सी बिलोंग आर एम्प्लॉयमेंट ए सी बिलोंग आर आर ऑल ए बी सी बिलोंग 1, 2, 3, 4 आर इज ट्रांजिटिव. हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. द करेक्ट आंसर इज बी. द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा बी. आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. क्वेश्चन नंबर 16 हम देख लेते हैं. क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. लेट आर बी द रिलेशन इन दिस सेट. लेट आर बी द रिलेशन इन दिस सेट एम गिवन बाई आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू बी ग्रेटर देन 6. ए की वैल्यू क्या है बी माइनस टू है और बी की वैल्यू 6 से अधिक है. चूज द करेक्ट आंसर. ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 4 बिलोंग आर बी 3, 8 बिलोंग और सी 6, 8 बिलोंग और डी 8, 7 बिलोंग आर. आंसर क्या हो जाएगा आर इक्वल टू देखिए ए बी. आर इक्वल टू क्या है ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू बी ग्रेटर देन 6. ए बराबर क्या है ए इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी ग्रेटर देन 6. नाउ सिंस बी ग्रेटर देन 6 2, 4 डज नॉट बिलोंग आर. ऑल्सो 3 नॉट इक्वल टू 8 माइनस टू 3, 8 डज नॉट बिलोंग आर एंड एज 8 नॉट इक्वल टू 7 माइनस टू. सो इसलिए यानी कि 8, 7 डज नॉट बिलोंग आर. 8, 7 डज नॉट बिलोंग आर. नाउ कंसिडर 6, 8 बी हैव 8 ग्रेटर देन 6 बी हैव 8 ग्रेटर देन 6 एंड ऑल्सो 6 इक्वल टू 8 माइनस टू. तो 6, 8 बिलोंग आर. द करेक्ट आंसर इज सी. द करेक्ट आंसर इज सी. तो सी में क्या है द करेक्ट आंसर इज सी. सी इक्वल टू 6, 8 बिलोंग आर. तो 6, 8 बिलोंग आर. इस तरह से सब करेंगे ठीक है. और एक्सरसाइज हम करते गए रहेंगे. लाइक करिए सब्सक्राइब करिए जो समझ में नहीं आता है ठीक. और वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ओके. तो अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.